ब्रजवासियों का मंत्र तो ठाकुर जी का नाम ही है, नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। नाम मंत्र सर्वोपरि है। भैया जी, मंत्र का जो अनुष्ठान है उससे सिद्धि तो बहुत शीघ्र होती है, पर उसमें एक भय है। हम लोगों के मन में लालच के संस्कार अनेकों जन्मों के हैं, और जब सिद्धियां सामने आती हैं और कहीं धोखे से भी हमारी बुद्धि उधर चली गई, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। और यदि उन सिद्धियों की ओर बुद्धि चली गई तो जो चरम लक्ष्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, उससे साधक वंचित हो जाएगा, मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ जाएगा। पर श्री नाम महाराज, आहा क्या कहना, नाम महाराज ऐसे हैं, इनमें अनुभूति भले ही कुछ विलंब से हो, पर नाम महाराज किसी रिद्धि सिद्धि के प्रलोभन में फंसने देते नहीं है। इसलिए मंत्र जप भी करना चाहिए, हम नहीं कहते मंत्र जप मत करो, पर मंत्र जप सदा सर्वदा नहीं किया जा सकता, पर नाम जप निरंतर किया जा सकता है। इसलिए मंत्र जप भी करो पर जोर नाम जप पर रखो, नाम से सद्य प्रेम की प्राप्ति होती है। एक नाम निष्ठ महापुरुष हैं, अभी हम लोग बीना गए थे तो उस यात्रा में उनका दर्शन किया, पंडित श्री हरदेव जी महाराज, भैया जी भी साथ में थे। उन्होंने एक अनुभव हमको एकांत में बताया। उन्होंने कहा कि राम में रकार का उच्चारण करने से अनंतानंत जन्मों के संचित क्रियमाण प्रारब्ध का नाश भस्म हो जाते हैं, और जब वो सब भस्म हो जाते र कहने से, तो आ कहने से विरहाग्नि प्रदीप्त होती है। रा आ, राम है ना, राम में आ है, तो आ का उच्चारण करने से भगवत दर्शन की व्याकुलता बढ़ती है, और माँ कहते कहते भगवान की प्राप्ति हो जाती है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती। तो रा आ म राम कहते अनुभव है, इस प्रकार से जब राम नाम का उच्चारण होगा तो एक ही राम नाम के उच्चारण में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राम, ओ भैया जी कैसा विचित्र परिवार देखा, सबके होठ हिल रहे, सबके नाम जब चल रहा, पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, घर में 11 अरब राम नाम विराजमान है, कितना। और ठाकुर जी स्वयं अयोध्या से चल के आए उनके यहां चमत्कारिक ढंग से, संपूर्ण रामचरितमानस राम नाम में लिखी हुई, संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता राम नाम में लिखी हुई, पूरा शिव पुराण, पद्म पुराण, कितने पुराण राम नाम में लिखे हुए हैं, इस समय भक्तमाल जी राम नाम में लिखी जा रही है, और बालक बालिकाएं दिन भर राम नाम गूंजता रहता है, उनके यहां कीर्तन होता ही रहता है, नए नए युवक भजन में लगे हुए हैं। गृहस्थ हैं, गृहस्थ, एक बेटा एक बेटी, कम उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं है, 50 की भी शायद नहीं होगी। पैंतालीस के करीब होगी। और महाराज जी कोई काम नहीं करते हैं, ना एक पैसा की काऊ की नौकरी है, प्रवृत्ति चलाने का कोई साधन उनके पास नहीं है, और किसी वस्तु का अभाव नहीं है। क्यों, वो कहते महाराज हम अनुभव कर रहे हैं, अनन्यास चिंतितो माम ये जना परिउपास्ते तेसाम नित्याभियुक्तानम योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं योगक्षेम का बहन करता हूँ, उसका प्रत्यक्ष अनुभव वो व्यक्ति कर रहे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, हमारी बात पर आपको संदेह हो तो आप जाकर देख सकते, अनुभव कर सकते हैं।
जितने भी साधन हैं नाम के अतिरिक्त, बहुत ध्यान से सुनो, नाम के अतिरिक्त जितने भी साधन हैं कोई कम नहीं है, सब एक से एक बढ़कर साधन है। पर उन साधनों में कलयुग विघ्न डाल सकता है, पर अनन्य भाव से नाम का आश्रय लेने वाले के, नामाश्रयी के साधन में कलयुग की दाल कभी गलती नहीं है। केवल नाम ऐसा है जहां कलयुग की कुछ भी नहीं चलती है। इसलिए भैया नाम सर्वोपरि है। मेरी प्रार्थना है माताओं से, ये ब्रज के गांव की माताएं खेत खलियान में भी काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं, गैया भैंसन की सेवा भी करती हैं, बालकों की भी सेवा करती हैं, अपने परिवार की सेवा करती हैं, आप सब काम करें। हम देखते हैं गांव में, हम तो खूब रहे ना रुदायन गांव में, 8-8, 10-10 दिन रह जाते, आंखों से देखते कितना काम करती यहां की माताएं बहने, खूब काम करो पर निरंतर भगवान नाम का जप करो। मेरी प्रार्थना है रोटी बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, बच्चों की सेवा करते हुए नाम बंद न हो। भाई लोग खूब काम करते हैं खेत में खलिहान में, खूब काम करते हैं, किसान है तो क्या करेंगे, मेहनत करेंगे तभी ना कुछ खाएंगे। भाई लोगों से आग्रह है निरंतर नाम जप का अभ्यास कर लें, प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक नाम की स्मृति बनी रहे, भीतर से बाहर से किसी भी पद्धति से नाम की स्मृति बनी रहे। बस इतना काम कर लो, फिर आप कहीं भी रह रहे हो और जो कुछ आपकी प्रवृत्ति का काम है आप कर रहे हो, करते रहो, कोई चिंता की बात नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सर्व समर्थ महा महा महिमामय पतित पावन भगवान नाम ही आपको युगल सरकार के चरणों तक पहुंचा देगा, युगल प्रेम प्रदान कर देगा। सब कुछ नाम से होने वाला है। मेहंदी की पत्ती में लालिमा दिखाई पड़ती है क्या? कोई मशीन से उसका अर्क निचोड़ा जाए तो कैसा निकलेगा? लाल की हरा, हरा निकलेगा। और उस पत्ती को सिल पर धर के लोढ़ी से पीसो तो पीसने वाले के हाथ लाल हो जाएंगे। ऐसी भैया हरी नाम तो मेहंदी की हरी हरी पत्ती है, और ठाकुर जी ने ये तो दे दी है सिल, ये है लोढ़ी। इस सुल्लोड़ी के बीच में रख के हरिनाम की पत्ती को खूब रगड़ो रगड़ो, रगड़ते रहो रगड़ते रहो, तो लाली मेरे लाल की जित देखूं चित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। एक लोहार की दुकान में लोहे का काम करने वाले, अपने ही दुकान थी उसकी, गरीब आदमी, तो उसने बच्चे ने मुझसे कहा, गुजरात की बात है, सौराष्ट्र की, हमारे पूज्य गुरुदेव का शरणागत परिवार भक्तमाली जी का, तो एक 15-16 साल के लड़के ने हमसे कहा कि महाराज जी हम तो दुकान में घन पीटने का काम करते हैं और फिर इतने थक जाते हैं काम करके आते हैं कि फिर खा पी के सो जाते हैं, महाराज की कृपा से हो जाता है, हम कैसे भजन करें, आपने नाम की महिमा बहुत सुनाई है। तो ऐसी मेरे मन में पता नहीं क्या आया, हमने कहा कि घन तो बजाते ही हो, ऐसे पटकते हो राम 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 राम, ऐसे भीतर से किया करो। कुछ समय बाद पहुंचे तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कही कि कहो राम राम करते हो, इतना सुनते ही उसके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। बोले महाराज जी अब मैं घन बजाता हूं, कहीं से आवाज आती मुझे राम नाम सुनाई पड़ता है, मेरी जिंदगी बदल गई। कहते पहले बिना राम नाम लिए घन पीटता था,
तो परेशान था। अब हमने नौकर रख लिए, अब मशीन आ गई है हमारे यहाँ, और महाराज अब गाड़ी ले लूँगा तो गाड़ी में आपको घुमाऊँगा, बोलो वृंदावन बिहारी। समझ में आई बात नहीं आई? बोले बिना राम राम के दिन हमारे सुधर नहीं रहे थे, अब लौकिक हालत भी हमारी सुधर गई है राम नाम लेने से। अरे भैया आज तक दुनिया में